नाउ बूथ्स एल्गोरिथम एक्चुअल में गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एल्गोरिथम तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन जितना भी बूथ्स एल्गोरिथम से रिलेटेड कंटेंट हमने पढ़ा है वो एल्गोरिथम विद इट्स एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके फ्लो चार्ट पर चलते हैं, फिर इसके एक एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट एन बिट का है, उसको हम एम में डाल देंगे। मल्टीप्लायर एम बिट का है जिसको हम क्यू में डाल देंगे। क्यू माइनस वन इनिशियली जीरो रहेगा, एक ए रजिस्टर रहेगा जिसमें एन बिट्स इनिशियली वो सारी जीरो होंगी। एक काउंट वेरिएबल होगा जिसमें नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर। क्लियर? ये बातचीत आपको ध्यान में रखनी है और याद भी रखनी पड़ेगी, है ना? उल्टा सीधा कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ लिखते, कुछ हर एक का अपने एक सर्टेन नोटेशन है। नाउ क्यू जीरो और क्यू वन, अगर मैं दो बीट को एनालिसिस करता हूं, ये एक्चुअली रेडिक्स टू बूथ्स एल्गोरिदम है, जिसको आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि रेडिक्स फोर में क्या चेंजेस हैं। यहां पर दो बिट को हम कंसीडर करते हैं क्यू जीरो एंड क्यू माइनस वन। अगर वो जीरो जीरो और वन वन है तो हम कुछ भी ऑपरेशन नहीं करते, सीधा अरिथमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन वाले के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर क्यू जीरो क्यू माइनस वन जीरो वन है तो ए प्लस एम करते हैं, मतलब ए में जो रजिस्टर्स की जो वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लिकेंड को ऐड करते हैं। क्लियर? और अगर वन जीरो है तो हम मल्टीप्लिकेंड को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? और अल्टीमेटली एट द एंड चाहे हम कुछ परफॉर्म ना करें या प्लस करें या माइनस करें, हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं किनका? ए क्यू और क्यू माइनस वन। ए कितने बीट का है? एन बीट का। क्यू एम बीट का और क्यू माइनस वन वन बीट का। ये सारी एम प्लस एन प्लस वन इतनी बिट्स को हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करते हैं। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का मीनिंग मैं आपको जब एग्जांपल में बताऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ उसके बाद काउंट को एक से माइनस कर देंगे। अगर काउंट इज़ीकल टू जीरो है, इफ यस, तो यही आपका रिजल्ट है। ए और क्यू, ए में ये कितनी बिट का है? एन, और क्यू एम बिट का है ना? तो एम प्लस एन बिट के रजिस्टर में आपका रिजल्ट होगा अगर काउंट जीरो हो गया तो। लेकिन अगर काउंट जीरो नहीं हुआ तो ये वाला प्रोसीजर अगेन आप चलाते जाएंगे। क्लियर? नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप और ध्यान में रख लीजिए, वो ये, बूथ्स छोड़िए, किसी भी एल्गोरिदम से अगर आप टू एन और एम बिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए कम से कम आपको एम प्लस एन बिट स्पेस चाहिए होगा। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप पैरेलली किसी भी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में आप इंप्लीमेंट करो, आपको इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए होगा। और इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनाया जा चुका है। अब अपन इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू द एग्जाम्पल माइनस सेवन इंटू प्लस थ्री। ऑब्वियस रिजल्टेंट कितना होगा? माइनस ट्वेंटी वन। सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिएगा, मल्टीप्लायर उसको रखिए जिस जो कि कम डिजिट में रिप्रेजेंट होता है। तो माइनस सेवन
कितने डिजिट में रिप्रेजेंट होगा, 4 डिजिट में, जबकि प्लस 3 कितने डिजिट में रिप्रेजेंट होगा, 3 डिजिट्स में। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेंड आपका जो है वो कौन हो गया, मल्टीप्लिकेंड ये आपका m, ये आपका है -7, है ना। -7 का मतलब, और चूंकि ये माइनस में है तो आप किस में लिखेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट में, -8, 4, 2, 1, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया m का। क्लियर? अब आपका आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्यू बिट्स का है, क्यू जो कि आपका कौन है, 3, मतलब 0, 1, 1। 0 लगाना बहुत जरूरी है, 1, 1 लगा देंगे तो नंबर नेगेटिव बन जाएगा, तो 3 बिट में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। और ये वो 3 बिट्स कौन है, Q2, Q1, Q0। क्लियर है? ये आपका आ गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं बार हम a प्लस m भी करते हैं और कहीं बार a माइनस m करते हैं। जैसा कि हम अभी सीखे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कैसे कैरीड आउट होता है, इन फॉर्म ऑफ एडिशन ओनली। तो उस सच केसेस में मुझको 2's कॉम्प्लीमेंट m का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब जब मुझे क्या करना है, अगर a माइनस m करना है तो सिंपली मैं 2's कॉम्प्लीमेंट m का ऐड कर दूं। तो मैं इसका 2's निकाल लेता हूं, तो 1, 1, 1, 0, ये मेरा 2's आ गया। जब भी a प्लस m तो सिंपली ये, a माइनस m तो इसको मैं जोड़ दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ इनिशियली a 0, 0, 0, 0 कितने बिट का, ये जितने बिट का आपका मल्टीप्लिकेंड है, और काउंट इनिशियली कितना, नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, दैट इज 3, है ना। अब मैं एल्गोरिदम को चला रहा हूं, सबसे पहले आपका आया काउंट, यहां आप ए रख लीजिए, यहां आप क्यू रख लीजिए, और यहां आप क्यू माइनस 1 रख लीजिए। क्लियर? नाउ काउंट इनिशियली कितना है, 3। क्लियर? इनिशियली काउंट मेरा आ गया। इसको बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही मजा आएगी। जितने भी बूथ्स एल्गोरिदम से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं वो इस एग्जांपल के बाद खत्म हो जाएंगी। जो पॉइंट्स हमने सबसे पहले लिखे थे, ए कितने, सारी 4 बिट 0, क्यू दैट इज Q2, Q1, Q0 इनिशियली ऑल आर 0, सॉरी ऑल आर 0 कैसे, दैट इज माय 0, 1, इनिशियली Q0, Q-1 एक काम कर लीजिए, थोड़ा पड़ोस में रख लेंगे तो अच्छा है। इनिशियली आपका Q-1 कितना, 0, और हमको 2 बीट ऑब्जर्व करनी है, Q0 और Q-1, है ना। नो, अब मेरी 2 बीट कौन कौन सी हैं, 2 बीट है मेरी 1 और 0। अभी फ्लो चार्ट में हमने देखा 1, 0 अगर होता है तो हम क्या करते हैं, 1, 0 पे a माइनस m। माइनस m का मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से देखना, a माइनस m तो माइनस कुल मिला करके मैं 2's कॉम्प्लीमेंट को सम करूंगा, 0, 1, 1। क्लियर है? नाउ 1, 1, 1, 0 और यहां पर 0, 1, 1, 0, और इन पूरी सारी बिट्स को, ये जितनी भी बिट्स हैं उन सब का मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट।
अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब है जो आपकी साइन बीट है उसको आप कॉपी कर लीजिए, कर ली, और फिर पूरा राइट शिफ्ट कर दीजिए, तो जीरो बिकम हियर वन वन, ये वन इधर गया वन, जीरो वन, और ये वन इधर गया, है या ना, कोई डाउट नहीं। ये आपकी कहानी हो गई। अब आता है काउंट बिकम टू, क्लियर। नाउ काउंट क्या जीरो हो चुका है? नहीं, जब काउंट जीरो नहीं हुआ है तो अगेन अब आप देखिए इस पूरे में आपको क्या मिला, वन वन। जब वन वन मिलता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, राइट शिफ्ट, किसी का एडिशन नहीं, किसी का सब्ट्रैक्शन नहीं। तो अब अगेन इसको कर लीजिएगा जीरो जीरो वन, सॉरी जीरो कॉपी जीरो जीरो वन, फिर ये वन यहां गया, वन यहां गया, और ये जीरो यहां गया, और ये वन यहां आ गया, क्लियर है। एंड दिस काउंट बिकम वन, क्लियर, कोई डाउट नहीं। नाउ अब आता है जीरो वन। नाउ अब जीरो वन पे हम क्या करते हैं, ए प्लस एम। ए प्लस एम का मतलब सिंपली एम को जोड़ दीजिएगा, वन जीरो जीरो वन जोड़िए, वन वन इज जीरो, कैरी इज वन, तो वन प्लस जीरो जीरो इज वन, जीरो एंड वन, और बाकी इज वन वन जीरो और वन। इन सब को आप राइट शिफ्ट करिएगा, लेकिन सबसे पहले साइन बिट को वन, फिर वन कॉपी करिए और फिर शिफ्ट करिए, वन विल बी हियर दैट जीरो वन, जीरो विल बी हियर वन वन, और जीरो विल बी हियर, और बाद में दिस वन बिकम जीरो। जैसे ये जीरो आ गया, अब जैसा कि मैंने बोला था आपका रिजल्ट किस में पड़ा है, ए और क्यू में, कायदे से ये चार बिट का ए है, तीन बिट का क्यू है, हाँ या ना। अब देखते हैं एक्चुअल में ये रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट क्या है तो देखते हैं। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वन वन जीरो वन जीरो वन वन, हाँ या ना। नाउ ऑब्वियसली रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा, टू जीरो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और ये माइनस माइनस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 32 प्लस 8 40 प्लस 3 43 माइनस 64 दैट इज माइनस 21, है ना। मेरे को कोई कैरी वेरी का लोचा नहीं लगा, कोई मैंने रिजल्ट में करेक्शन नहीं किया, मेरा रिजल्ट 21 आया। और जैसा कि आप खुद जानते हो माइनस 7 इंटू प्लस 3 इज 21, है ना। पहली चीज, एक पॉइंट क्लियर हो गया, हमने कितने प्लस किए, ए प्लस एम एक बार और ए माइनस एम एक बार, है ना। अब आप देखिए आपका मल्टीप्लायर क्या था, मेरा मल्टीप्लायर था जीरो ट्रिप डबल वन, जीरो वन वन, ये मेरा मल्टीप्लायर था, है ना। मल्टीप्लायर में अभी हम सीखे हैं, अगर मल्टीप्लायर का बाइनरी पैटर्न ये है तो कितने अरिथमेटिक ऑपरेशन चाहिए, तो ब्लॉक ऑफ वन चालू होता है वहां माइनस एक, और ब्लॉक ऑफ वन खत्म होता है वहां प्लस, तो माइनस और प्लस एक एडिशन एंड एक सब्ट्रैक्शन, इतना ही चाहिए। और जैसा कि आप पूरे ऑपरेशंस में देख पा रहे होंगे प्रोसीजर में, एक बार मैंने सब्ट्रैक्शन किया और एक बार मैंने क्या किया, एडिशन किया, हाँ या ना।
तो ये पूरी कहानी किसकी हो गई? बूथ्स एल्गोरिदम की। अब सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बचा है जिसपे गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकते।